इरिटेट कर रहे हो जब से आया यार। भैंस की आखरी में मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? मैंने गर्म पानी, तुम्हारे सामने गर्म पानी बोला ना, उसके बाद ठंडा देके गया इसकी। इसका ये इस होटल का स्वीट रूम यही है। अरे ये कैसा स्वीट रूम है जो रूम भी नहीं लग रहा। घर वाली फीलिंग आ रही है ना। उधर खाली क्या रह गया? क्या था जो होना था जो नहीं हुआ? नहीं, वो एक्सरसाइज के लिए दिया, योगा वोगा करना हो ना, मैट मैट बिछा। किसको करना है योगा? एक अच्छी चीज दिख रही है, तकिए पतले दिख रहे हैं। अरे रूम जितना बड़ा ही बाथरूम भी है। अरे चिड़िया ने हगा हुआ है इस पे, चिड़िया ने हगा हुआ है तकिए पे, कबूतर हग के गया है बाथरूम। ठीक है, जकूजी अंदर, जकूजी। हाँ ये लो। अरे बाथरूम ही अच्छा है, बाथरूम इम्पोर्टेड लग रहा है। अरे बाथरूम अच्छा है, ये लो। और रूम ऐसा है, बहुत ही बेकार रूम है। खाना ऑर्डर करो यार। तो रूम तो आप लोगों ने देखा, अब हम आ गए होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अब यार आसनसोल तो छोटी सी जगह है, तो यहाँ पर तो ऐसे ही रूम मिलेंगे ना। अब इनका स्वीट भी हमारी खटाई की तरह है, तो फिर क्या करें। रूम देखने के बाद हम लोग खाना खाने नीचे आ गए, और जब नीचे आए तो ऐसा लग रहा है हम लोग रूम में क्यों नहीं चले गए, तो दोनों जगह से भाग ही रहे हैं हम। देखो इनको दिखाओ ना, ये हमारा प्राइवेट रूम दिया है इन्होंने, प्राइवेट रूम रेस्टोरेंट का। देखो तो सही, ये आटे की रोटी नहीं है। हाँ आटे की है, तंदूर की है, तंदूर पे तो है, तंदूर में मैदा भी जाता है ना, ये मैदा लग रहा है, ये आटा तो नहीं लग रहा मुझे, ये आटा नहीं है। जरा पूछिए जरा, ये मैंने आटे की रोटी बोला था, ये मैदे की रोटी लाया है, ये आटा नहीं है, मैदा ही है 110% जैसे मैदा। कितनी देर बाद आया खाना? एक घंटा हो गया। इनकी इतना गुस्सा आ रहा है ना इस समय, झूठ बोलते हैं ऊपर से क्या हमें। और तुमने तो कहा तुम रोटी खाओगी नहीं, चाहे मैदा हो चाहे आटा हो। वो जो वो अलग बात है, वो हम अपने घर में जाकर बात कर सकते हैं बारे में। आटा आटा कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं छोड़ा तुमने, और तुम कह रही थी कि अब हम रोटी छुएंगे भी नहीं, और तुमने इस रेस्टोरेंट की ऐसी हालत कर दी कि अब रोटी छूने के लिए बची नहीं यहाँ पे कोई। और तुम अभी कैसे लग रही हो, जो माता के जागरण में जो सिंगर आती है ना, लेडी सिंगर, नर्मदा देवी का स्वागत करते हैं, माता के चार गान सुनाएंगी, बोलिए जय माता दी। मेरे को बात नहीं करने की चीज है, दर्द हो रहा है मेरे को। किस चीज का दर्द है? रोटी खाई ना तुमने 150? नींबू पानी देख लो, शो हो पाएगा आज, ये मैं बात करूं। पता है भूख लगी होती है ना, मुझे कुछ दिखता नहीं, बड़ा गुस्सा आता है, मैं इधर था कि इनको ना मुक्का मार के मुंह तोड़ दूं। तो ये बात मुझे पता है ना, उन बेचारों को थोड़ी पता है। कितना भी तो कितना डर लगाया ना, डर लगाया उसने खाने। और पता नहीं क्या सब्जी लाया, वो मीठी सब्जी है पूरी, हम खा ही नहीं। मेरा तो जरा सब्जी दिखाना, सब्जी दिखाना है। ये शाही पनीर बोल के डेजर्ट ले आया। और इंसान जो तीन बैठे होते हैं, तीन रोटी तो आए, एक आ रही थी, उसमें तीन लोग झपट्टा मार रहे थे। जब झपट्टा मार रहे थे तो उसको ये पता लग रहा था एंड की रोटी सारी कच्ची है, तो जो बीच की थी वही हम खा पा रहे थे। नींबू पानी चाहिए मुझे, अब उड़ गई हूँ मैं, सो गया। आप ही नहीं रखो पूछता मैं। अरे ना बंदा ना बंदे की जात यहाँ पे, मतलब जो खाना था इन्होंने उसके बाद किचन बंद कर दिया, खुद भी बंद हो गए किचन के अंदर। तुम ऐसे क्यों चल रही हो, जैसे गलती तुम्हारी है, छुप छुप के। हाँ पता है मेरे साथ यही होता है, गलत दूसरा इंसान करता और मेरे को लगता मैंने किया। अरे अरे छुपे क्यों, इधर वो एक नींबू पानी चाहिए, गर्म पानी एकदम, और एक पूरा नींबू उसमें नीचे। कैमरा से छुप रहा था, गलत किया ना इस आदमी ने हमारे साथ, तीन लोगों के लिए एक रोटी लाया था। ये देखो गुब्बारे दिखाओ, इनके गुब्बारे दिखाओ, ऐसे कोई गुब्बारे डालता है? भुस्से हुए गुब्बारे। कैसे हुए? भुस्से हुए। किसी का बर्थडे वो होगा ना, बर्थडे से पता लगता है कि बर्थडे कम से कम 4 दिन पुराना है, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया। तुम क्या क्या बोल रहे हो बेबी? मैदा मैदा क्या, मैदा नहीं निकलती। हाँ मैदा स्त्रीलिंग है। मैदा स्त्रीलिंग नहीं है, मैदा पुलिंग है। मैदा नहीं निकलती, मैदा नहीं निकलता। नहीं नहीं मैदा स्त्रीलिंग है। कैसे मैदा स्त्रीलिंग कैसे है मेरे को आज बताओ इस बात को। मैदा का रोटी होता है या मैदा की रोटी होता है? मैदा की रोटी, तो की स्त्रीलिंग है। जब मैदा होता है ना तो मैदे कहते हैं, मैदे जब मैदे बोलते हैं ना तो वो स्त्रीलिंग हो गया। मैदा इस पुलिंग, मैदा उसका हस्बैंड है। नहीं नहीं मैदे उसकी बीवी है। मैदा की रोटी और मैदे की रोटी दोनों में की ही लगता है। मैदा मैदा इटसेल्फ इज पुलिंग, जब उसको गूंद दिया जाता है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। अब समझो मेरी बात को। सुनो मैं नहीं मानूंगी इस बात को, कितना भी अविनाश का साथ दे लो। मैदा एक पुलिंग है, पुरुष है, जब उसको गूंधा जाता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। फिर होते मैदे की रोटी, मैदे की ये, मैदे की मट्ठी, तो फिर वो एक पुरुष होता है जो स्त्री का रूप ले लेता है। मैं मानूंगी नहीं, खत्म बात, मैं बात ही नहीं करने जा रहा हूं। मेरी मैं हर बात पे तुम्हारी ही चित्र और तुम्हारी भी पट। तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैदा तुम्हारे ससुर का नाम इतना सपोर्ट कर रही हूँ, मैदा को इतना लड़ रही हूँ कि मैदी तुम्हारी सास का नाम है। अरे भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। कौन लेने गया था ये ऑर्डर, कौन लेके गया?
उनको बुलाओ जरा। भैंस की आंख, इसकी बाट लगाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? मैंने गर्म पानी, तुम्हारे सामने गर्म पानी बोला ना, उसके बाद ठंडा देके गया इसकी। नीतू को गुस्सा आया, निम्बा नहीं बोले था, गर्म नहीं बोला साथ में। ऐसा मत करो भाई, क्या कर रहे हो, क्यों इरिटेट कर रहे हो जब से आए हैं यार? प्लीज ऐसा मत करो भाई, बोले ना उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा। अरे गर्म तो समझ में आता है, बोले ना सिर्फ मुंडी लाते हैं। हम भी अभी मुंडी लाएंगे, लाते लाते की मुंडी पानी। देखो चक्कर क्या है, यहाँ पे जो लोग आते हैं और जो लोग सर्विस करते हैं उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, समझ रही हो? तो आज तुम पहली बार आई हो तो तुमसे ट्यूनिंग नहीं मिला पा रहा है। मेरे से ना ही मिला है तो अच्छा है। मैंने इनसे बोला था तीन नींबू आधे आधे काट के मुझे दे दीजिए, ये देखिए इन्होंने क्या दिया, साइड के छिलके होते हैं ना, साइड साइड के थोड़े थोड़े काट के, तो ये इन्होंने तीन करके वो दे दिए। अब मैंने इनसे तीन और मंगाए, अब मैं खुद काटूंगी और इसका जरा साइज इसका देख लो और इसका देख लो, अब आधा ये होता है या आधा ये होता है। मुझसे चला के एक गृहिणी से चला के। कौन गृहिणी? मैं। अब जा रहे हैं हम लोग रूम में और ये रूम में लेके जा रहे हैं क्योंकि पूरा दिन मैं नींबू पानी पी के रहूंगी, मैदा खा लिया। अब सो जाएंगे? हाँ, यहाँ भी बारिश हो गई है। अरे हमारा बैग तो अभी तक इसी में है। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी से बैग्स वगैरह निकालने थे। हम लोग सो गए थे और अभी भी उठे हैं और अब हमने कॉफी बनाई है, मैंने मतलब कॉफी बनाई है और अविनाश के लिए और नीतू के लिए रेडी टी आई है। नीतू भी अभी आई है अपने रूम से और हम लोग भी उठ गए हैं। 5:30 बजे उठे और 5:30 बजे यहाँ पे एकदम घुप अंधेरा है, एकदम अंधेरा मतलब बाहर अंधेरा है। नीतू ये बात बताओ ना, टैली करा पड़ेगा, हमें पता भी नहीं यहाँ पे 5:30 बजे अंधेरा हो गया है बाहर। बस इतना बस जितना बोला था उतना ही। फिर आगे कहानी नहीं, बाहर अंधेरा है इन शॉर्ट। और खाने में शायद कुछ था, धतूरा मिला था उन्होंने, ऐसी नींद आई है। मेरे को ऐसी नींद तो इतने सालों में कभी नहीं आई, पता है मेरे को नींद की बड़ी प्रॉब्लम है और आज मेरे को दिन में इतनी नींद आ गई। तो अविनाश मेरे को बोल रहा था कि तुमने सोने का पैसा लिया है सिर्फ आके सोने का, तुम सिर्फ सो रही हो। कल भी सो गई मैं, आज भी सो गई है ना, ऐसा कभी होता नहीं दिन में मैं सोई हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। अरे मैं अच्छी लग रही हूँ दिखा। मैदा पूरा मुँह तक आ चुका है, मैदा मुँह पे आ गया ना और आँख छोटी हो गई। बधाइयां दीदी तेनू, बधाइयां। बेबी बिना लाइट के कैसे मेकअप कर रही हो? बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। बिना लाइट की मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से कौन सी चीज कर रही है। उनको बुलाऊं क्या? बुलाऊं लाइट कैसे जलेगी? तो वो आएंगे ना तब तो मेकअप भी हो जाएगा मेरा। नहीं तो फोन पे पूछ लेता हूँ ना। संभावना ने ये माता की फोटो खरीदी आज और अब सुबह शाम 9 दिन के लिए देखो कैसे जुगाड़ लगा के अगरबत्ती जलाई हुई है, क्योंकि हर रोज हमारा रूम चेंज हुआ करेगा तो संभावना अब अपने साथ कैरी करेगी माता की फोटो। गुड बेबी गुड। अभी 1 घंटे का टाइम और है और ये लगा रहे हैं, आज मैं मांग टीका भी लगा रही हूँ। बाल मैंने सेम लगाए हैं मतलब बनाए हैं क्योंकि मुझे कल का हेयर स्टाइल अच्छा लगा और लोगों को भी। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, आज रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है और अगर मुझे कोई कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लगेगा ना तो मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगी इस शो में। लुक मोर और लेस सेम है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आज न्यूटन नहीं लग रही, वेरी नाइस कर्ल्स नीतू। थैंक यू। निकल तो नहीं जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, निकलेगा तो भी ऑप्शन में है अपने पास। तुमने कल 2 लोगों के सर पे डांडिया मार दिया था पता है तुम्हें? बाजू में नाच रहे थे तुम्हारे, मैंने देखा पहले 8 डांसर्स थे वो बाद में 6 हो गए। कुछ भी बोलता। अच्छा अविनाश के मौसा और मौसी यहाँ पे आए हुए हैं। ये है अविनाश के मौसा, प्रणाम कीजिए मौसा जी। और ये है अविनाश की मौसी। नमस्ते। मतलब मम्मी की सिस्टर, क्योंकि ये यहीं पे रहते हैं तो आज शादी के बाद तो मौसी पहली बार मुलाकात हो रही है ना। तो वो लोग आए हैं शो में शरीक होने के लिए और हमसे मिलने के लिए, क्योंकि शादी के बाद सब तक हम लोग मिले नहीं थे। तो अगर मौसी जी को आप देखोगे तो मुझसे ज्यादा डांडिया की तैयारी इनकी लग रही है। जो साड़ी पहनी है वो ऐसा लग रहा है कि डांडिया के लिए भी तैयार है। बाकी आपकी साड़ी ऐसी लग रही है जो गरबा वाले, वो एक्चुअल लुक है ना, ये वाला एक्चुअल लुक है। चले पर्स में रख लेगी ना नहीं तू? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तुमने अभी वॉलेट गिराया है, मैंने इसने अभी 2 दिन पहले अपना वॉलेट घुमाया है और उसके बाद वो मिल गया तो इसकी जेब से सब कुछ गिर जाता है। इससे बेटर है कि तुम कुछ मत रखो और मेरा फोन तो कभी मत रखो, रखना तो हाथ। अच्छा मेरा खो जाए ठीक है, तुम्हारा नहीं होना चाहिए।
मौसी दही रायता कुछ खा सकती हैं बोल रहे हैं। इसमें लहसुन प्याज होता है क्या? हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा वहाँ गली तक घूम के आएंगे, वहाँ तक बड़ा मजा आ रहा है। मौसी और मौसा जी भी साथ में है। मौसी को बिना खिलाई पचवा दिया खाना। नीतू कहाँ है? नीतू ने बहुत खाया था। नीतू को आगे लाओ, तेज चलाओ, नीतू को भगाओ थोड़ा। इतना मजा आ रहा है जिस जगह पे मैं पहले कभी नहीं आई वहाँ पर मैं ऐसी सड़क घूम रही हूँ, कितना मजा आ रहा है। क्या बना रहे हो भैया? कुछ नहीं है। अच्छा अपने लिए बना रहे हो? हाँ। खुद के लिए? लेकिन किसी के साथ तो खाओगे रोटी कि कुछ नहीं के साथ खाओगे? अरे वाह क्या फूली हुई रोटी बनाई है, तड़का हो गया दाल मेरी। आप लोग अभी क्या खाओगे? हम लोग जाके घर में खाएंगे। अच्छा ये लोगों के लिए बना रहे हो? देखो कितना अच्छा, देखो फूले की भी रोटी वाले देखना है। ये फूली रोटी एकदम बढ़िया, ऐसा कर रहे हैं जैसे हमने पहली बार देखी ना रोटी। लेकिन मजा आ रहा है ना गरम गरम देखने में। चलो अब सब चले, सब लोग चले गए हैं और हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। कल जाना है हमें धनबाद, कल है हमारा शो जहाँ पे होगी परफॉर्मेंस डांडिया। खूब सारी मस्ती, खूब सारा धमाल। तो मिलती हूँ आपको कल मॉर्निंग में। टिल देन गुड नाइट। गुड नाइट बोलो बीजी। गुड नाइट।